चार दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विकासखंड पनवारी के ब्लॉक संसाधन केंद्र कार्यालय में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक शिक्षिकाओं का चार दिवसीय प्रशिक्षण के तीसरे दिन खंड शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भारत निपुण योजना का शुभारंभ 5 जुलाई 2021 पूरे भारत में योजना चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की इस योजना का शुरुआत रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्र छात्राओं में विकसित करना है। उत्तर प्रदेश में 2025-2026 तक पूर्ण रूप से निपुण योजना लागू करने का लक्ष्य है। इस योजना का क्रियान्वयन 5 स्तर पर किया जाना है, 1 राष्ट्रीय स्तर, 2 राज्य स्तर, 3 जिला स्तर, 4 ब्लॉक स्तर, 5 स्कूल स्तर। इस योजना से प्राथमिक स्तर शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण एआरपी विनोद अग्रवाल, सर्वेश कुमार, रामवीर सिंह ने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बताया कि कक्षा 1 से कक्षा 3 के छात्र छात्राओं को शिक्षा का ज्ञान जैसे गणित का ज्ञान, उनकी योग्यता, खेल आदि बारीकियों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में प्राथमिक विद्यालय के 576 शिक्षकों का 50-50 बैच के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना है। इस प्रशिक्षण में विनय कुमार द्विवेदी, अनिल कुमार नायक, ब्रजेंद्र कुमार नायक, तौशीन कुरैशी आदि की देखरेख। प्रशिक्षण में लंच भोजन की उत्तम व्यवस्था है। सर, निपुण लक्ष्य अभियान चल रहा है, सर क्या उद्देश्य, कब चालू होगा? निपुण लक्ष्य हमारी जो सरकार है उसका उद्देश्य है कि 0 से लगाकर कक्षा 3 तक के बच्चों को भाषा और गणित में हम कैसे योग्य बनाएं, उनकी कुशलता में कैसे वृद्धि करें। आज भी ग्रामीण परिवेश में जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भाषा एवं गणित संबंधी जो समस्याएं हैं, जो कठिनाई है, उसको दूर करने के लिए ये निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें भाषा एवं गणित की अनेक दक्षताएँ बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाना है। भारत में कब लागू हुआ है ये? 5 जुलाई 2021 को भारत में इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की गई, और इसका प्रत्येक विद्यालय तक, गांव-गांव तक और यहां तक कि जन जन तक पहुंचाने की मुहिम बेसिक शिक्षा परिषद को निभाना है। उत्तर प्रदेश में कब तक लक्ष्य पूरा करने का उद्देश्य? अपने उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025-26 में निपुण लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है, और केंद्र सरकार के द्वारा जबकि यही लक्ष्य हमारा 2026-27 तक का निर्धारित है। सर, आपका नाम क्या है? मैं शैलेश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी पनवाड़ी के पद पर कार्यरत हूँ।